प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शुक्रवार को गोवर्धन में अंत्योदय कार्ड धारकों एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन प्रदान किया गया। इस मौके पर वार्ड के सभासद, चेयरमैन व विधायक आदि अपने क्षेत्र में मौजूद रहे। पिछले मार्च 2020 से संपूर्ण विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रहा है। महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों से लेकर व्यवसाय, दुकानदारी, रोजंदारी आदि पर भी असर पड़ा है। कमजोर तबके के रोज कमाने और खाने वाले वर्ग की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संकट की इस घड़ी में सभी वर्ग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लागू किया है। इसके अंतर्गत पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस योजना में प्रदेश के 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवार के लगभग 15 करोड़ लोगों को हर माह नवंबर 2021 तक निशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति यूनिट मुफ्त राशन, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं व 2 किलोग्राम चावल दिया जा रहा है, तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक कार्ड पर 35 किलोग्राम निःशुल्क राशन, जिसमें 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चावल दिया जा रहा है। इसी क्रम में गोवर्धन कस्बे के वार्ड नंबर 8, 12, 13 के राशन डीलर अभिषेक भारद्वाज द्वारा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को राशन प्रदान किया गया है। इसमें लगभग 512 पात्र गृहस्थी व 50 अंत्योदय लाभार्थियों को राशन प्रदान किया गया। इस मौके पर वार्ड के सभासद संजय लावानिया, सभासद प्रतिनिधि शेखर मुखिया, पवन कौशिक आदि अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हालांकि विपक्षी लोगों का मानना है कि इस योजना के सहारे बीजेपी लोगों को एक बार फिर से बरगला कर पुनः सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। आज 5 अगस्त के दिन हमारा अन्य महोत्सव मनाया जाता है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा सभी के लिए आदेश हुआ है कि हर लाभार्थी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर लाभार्थी को राशन कार्ड के तहत 5 किलोग्राम यूनिट, एक यूनिट जिसमें 5 किलोग्राम आता है, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल सभी लाभार्थियों को वितरित की जाए, और कोई भी परिवार और कोई भी राशनधारक इससे अछूता ना रहे। और इस परिप्रेक्ष्य में सभी प्रशासन, सभी जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, नगर निकाय के कर्मचारी सभी लगे हुए हैं, यहाँ तक कि पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन बांटा जाए। सभी को प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, ये अन्य योजना जिसको ये गरीबों को अंत्योदय कार्ड धारक वालों को 20 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल, और अन्य कार्ड धारकों को प्रत्येक यूनिट पर 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल मुफ्त वितरित किया जा रहा है। तो ये योजना तो वैसे प्रतिवर्ष और प्रति माह चलने वाली सरकारी योजना है, तो इसमें मतलब ऐसा क्या विशेष रहा जो आज इसका ये सब प्रचार की और उसकी जरूरत? जो राशन दिया जा रहा है या मुफ्त दिया जा रहा है? राशन तो इससे पहले भी गरीबों को लिए मुफ्त ही पड़ता है। पैसे की जरूरत 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो जो पैसे से दिया जाता है, अब उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, केवल मुफ्त दिया जा रहा है।